अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम भिवंडी। दोस्तों हम लोग यहाँ निज़ाम भाई के यहाँ पर एट निज़ाम भाई डेरा, माशाल्लाह एक से एक मेंढे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप निज़ाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। सो निज़ाम भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूँ कि पहली ऐसी जगह है माशाल्लाह पूरे इंडिया में जहाँ पर पहला मेंढों का पलाई का सेंटर बना है, मेंढों का केयर टेकिंग सिस्टम आपने रेडी किया है। तो प्लीज़ लोगों को बताइए के पलाई में क्या क्या इंक्लूड होगा और पूरी एक डिटेल दीजिए प्लीज़। भाई ऐसा है कि मेरे पास 2000 से लेके और 3500 रुपये तक पलाई का सिस्टम है मेंढे जी का। सिर्फ मेंढे ही रखूँगा, बकरे नहीं, और वो भी सिर्फ 10 मेंढे तक मेरे पास मैं रखूँगा। ओके, सो 2000 रुपये से लेके 3500 रुपये के बीच में पलाई के चार्जेस होंगे एंड ही विल ओनली कीप 10 मेंढे, 10 शीप रखेंगे ताकि ज़्यादा ध्यान दे पाए। आप बताइए कि इनका खाने पीने का सिस्टम कैसा होता है और बकरे में और मेंढे की पलाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसके बारे में समझाइए लोगों को। मैं समझता हूँ बकरे का काम जैसे 50 बकरों में 2 आदमी बहुत हो गए, लेकिन 10 मेंढे अगर हो गए तो भाई इसके लिए 2 ही आदमी लगेंगे, क्योंकि 10 मेंढे जो है ना वो 40 बकरों की तरह मेहनत लेते हैं, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह बांधना और कोई गवानी में दाना डाल के या वो जो ट्रे वगैरह रहता है उसमें इनको नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर उनमें इनको बांधा जाए तो ये सींग से मार के सब पूरा सब तोड़ फोड़ देते हैं, तो इसलिए इनको खूंटे पे या फिर अलग जगह इनको बांधा जाता है। तो इनको दाने पानी में क्या क्या दोगे आप, वो बताइए। दाना पानी में भाई ऐसा है, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा और कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो मेरे हिसाब से अलग रहती है, इसलिए मैं बताइए आप फिर भी थोड़ा। इसमें इनको भाई ज़्यादातर मैं गेहूँ देता हूँ और चने का शिक्कल हो गया और जौ हो गया, मक्का नहीं देता हूँ क्योंकि गेहूँ भी गर्म रहता है और मक्का भी गर्म रहता है, दोनों चीज़ दूंगा तो फिर वो मेंढा गर्म हो जाता है तो फिर वो खाता नहीं है दाना, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक जगह ये खाते नहीं है सही से, और दाना अगर तोड़ फोड़ करते हैं सब तो दाना मतलब गिराते बहुत है, तो इसलिए इनको अलग ही जैसे 10 मेंढे हैं ना तो उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहता है अलग अलग बांधने के लिए, आपस में फाइट भी करते हैं। तो दाने में जो है इनको 3 से 4 चीज़ें मैं देता हूँ, हरी पत्ती वगैरह तो ये लोग खाते नहीं इतने शौक से, और गेहूँ हो गया, गेहूँ ज़्यादा पकड़ते हैं ये लोग, और गीला चारा हो गया जो भैंस को दिया जाता है वो देते हैं, वो सब होता है। सही है, और तैयारी की बात करूँ तो क्या क्या तैयारी, जैसे बाल काटना, इनको वैक्सीनेशन करना, मसाज करना। अगर मेंढे के ऊपर बाल रहेंगे, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो ठंडा रहता है लेकिन अपने यहाँ का जो रहता है वो गर्म रहता है, तो फिर मेंढा बनता नहीं है, वो अपने बॉडी से इतना हैरान हो जाता है कि उसका ध्यान जो है चारे की तरफ से हट जाता है और वो फिर टूटता हुआ जाता है, तो अक्सर ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो मेंढे के बाल मैं हर 2 महीने में जहाँ देखता हूँ कि थोड़े बड़े हुए तो निकलवा देता हूँ ताकि सफाई में भी आसानी हो और बदन बने जानवर का, और इनके सींगों पे जो है मेरा खास तौर से ध्यान रहता है, उसके लिए मैं कुछ अलग करता हूँ इनके लिए। अच्छा, इनकी सींग खींचते भी आप? सींग मैं नहीं खींचता हूँ, लेकिन जहाँ से मैं मंगाता हूँ तो वहाँ से मैं उसको खिंचवा के मेरे को एक हाथ डबल हाथ की सींग चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, तो ये तो रहा पलाई की बात है। अब इसमें से कुछ मेंढे आपको बेचने हैं क्या, या अगर आप बेचोगे तो क्या आप पलाई पे रखोगे ये मेंढों को यहाँ पर? देखो भाई, बड़े मेंढे हैं, जैसे ये मेंढा है, अगर ये कोई मेरे पास से खरीदेगा तो मैं इसकी 3500 रुपये पलाई लूँगा। ये जो बड़े मेंढे 50 किलो तक का है जी, जी भाई, तो वो वजन के ऊपर डिपेंड रहता है, छोटा मेंढे की पलाई अलग और बड़े मेंढे की पलाई अलग। सही है, जो अभी आपके हाथ में बनो रहे बेचना है कि बिकाओ है? ये इसको बेचना है, दरअसल ट्रांसपोर्ट की वजह से मेरे पास सिर्फ 3 ही नग आए थे, इसमें से 2 सेल हो गए और एक ही मेरे पास बच्चा है। कितने उम्र क्या है इसके? ये 5 महीने का बच्चा है और पूरा सेट है, माशाल्लाह दाने में सब कुछ खा रहा है, बहुत प्यारा है, गेहूँ भी हजम कर रहा है, हर चीज़ खा लेता है और बहुत अच्छा बच्चा है। सही है, तो इसको छोड़िए ज़रा नीचे। और इसमें बनू रहे माशाल्लाह, ये 100% तो नहीं बोलूँगा लेकिन 80% बोलूँगा, क्योंकि 100% जो रहता है वो छोटे से छोटा बच्चा लेने जाओगे तो 40,000 रुपये का आएगा। अच्छा, हाँ बंदूर बोलते हैं उसको, बंदूरी बोलते हैं कि बंदूर? कोई नाटी बोलता है, जैसे हमारी जवान में अलग बोलते हैं और वो बेंगलोर वाले साइड अलग बोलते हैं, और यहाँ के लोग कुछ लोग घेटिया बोलते हैं तो कोई कुछ बोलता है, जैसे जिसको आसान पड़े भाई। सही बात है, इसके अलावा और क्या क्या है बेचने के लिए? बेचने के लिए मेरे पास एक फिलहाल ये मेंढा है, ये 2 दांत में है भाई, शॉर्ट हाइट में है, ये रामपुरी है, और ये हाइट और कद से ज़्यादा अपनी औकात से ज़्यादा तेज है, मतलब ये इसको लेग पीस बोला जाता है, लेग पीस मतलब पीछे का हिस्सा इसका वाइट होगा और आगे का काला होगा,
ये फाइट में मैं मानता तो नहीं हूँ, फाइट कोई सबसे मैं बचता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ भाई, ये फाइट में सबसे तेज़ लेग पीस माना जाता है भाई। अच्छा जी, उम्र क्या है इसकी? ये उम्र अभी होएगा भाई 13 महीने का होएगा, ये अभी चार दांत पे जाके खुलेगा बच्चा। ये जो होता है ये चार दांत के बाद जाके खुलते, मतलब हाइट और लेगा लेकिन बदन बहुत अच्छा पकड़ेगा। लेकिन इसको बदन पकड़ाना नहीं है, अगर जैसे कुछ लोग रहते हैं गर्म ही रखना है तो इसका बदन तोड़ के रखना पड़ेगा। अच्छा जी भाई, तो ये सब भी तैयारी में मायने रखता है? बहुत सी चीज़ें रखती है, इसके आधे हिस्से की मालिश होती है, इसको बदन में नाश्ते में बादाम दिया जाता है पहली खुराक में। तो आप देते हो ऐसा, अगर कोई बोले भाई मेरे मेंढे को तैयार करो तो आप करते बादाम देना, फिर बाकी चीज़ें, बाकी मालिश होती है वो अलग, सब हर बहुत सी चीज़ें इसमें रहती है। तो ये लेग पीस है और ये बेचने के लिए? जी भाई। ठीक है, आइए दूसरा मेंढा दिखाएं। जी भाई, सो माशाल्लाह एक बहुत ही नायाब चीज़ देख रहे हैं निज़ाम भाई, ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसी फेस का मेंढा, क्या बोलते हैं इसको? ये पैरोट पिंक करके आता है भाई। जी जी, मुर्गों में बहुत सुना था मैंने। जी भाई, इसका चेहरा देखिए ना। हाँ एकदम पैरोट पिंक ही है, सही कहा आपने। कलर भी बहुत ही उम्दा है इसका, कलर भी अच्छा है, और ये विलायती बच्चा है 6 महीने का। विलायती है ये? हाँ भाई, इसकी पूंछ देखिए, क्या बात है भाई, क्या बात है। विलायती में ये कलर जल्दी नहीं आता है, ये इम्पॉसिबल है माशाल्लाह। जी भाई, इसकी पूंछ देखिए, लोग इसको अक्सर रामपुरी समझेंगे क्योंकि रामपुरी में कलर आते हैं, लेकिन ये विलायती में पहला बच्चा जो है ये ऐसा कलर में आया, मतलब बहुत कम आता है भाई। और ऐसे चेहरे में? ऐसे चेहरे में और ऐसे सींग में, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। फुल पैरोट बीक में देख सकते हैं आप लोग, वाइट खोर है माशाल्लाह। क्या उम्र का है ये भाई? 6 महीने का। 6 महीने का सिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। सिंग अच्छी है, अच्छा हुआ ये है कि बारिश हो रही है 2-3 बॉम्बे में, तो मैंने इनको जो है वॉश वगैरह मतलब नहलाया धुलाया नहीं, और ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि मैं जानवरों को साफ़ सुथरा रखता हूँ, लेकिन रीज़न यही है कि बारिश हो गई है, अभी नहलाना धुलाना मुनासिब नहीं है क्योंकि जानवर बीमार हो सकता है, तो इसलिए कुछ वजह से ये मेरे को ऐसे साफ सुथरे जानवर पसंद है, इनको हर हफ्ते में माशाल्लाह नहीं। और ये देना है आपको? ये मेरे को देना है भाई। और जो आपके पलाई पे रहेंगे ये सब मेंढे, तो इनको भी आप हर हफ्ते निलाओगे? हर हफ्ते भाई, मैं गंदा अगर जानवर रहेगा तो नहीं, क्योंकि पेशाब की जो गंदगी रहती है ना वो जानवर को ख़राब कर देती है, और ख़ास तौर से मेंढों को, तो मेंढों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मेंढों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं शायद मेरी फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैंने जानवरों को मतलब पहली बार ऐसे आ रहे हैं निलाया नहीं, लेकिन मैं वीडियो बने या ना बने मैं जानवरों को निला के हर हफ्ते रखते ही। और ये कान को क्या बोलते हैं? ये कान भाई खजूरी कान में आएगा, खजूरी में ही आएगा, और सिंग भी अच्छी जाड़ी है इसकी। जी भाई, डबल खिंची हुई सिंग है, एक हाथ निकलवाया है मैंने इसको, सीना वगैरह भी अच्छा है, बहुत बनने वाली चीज़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा भाई, बहुत चौड़ा बच्चा बनेगा माशाल्लाह। तो ये लेके आपके पास पलाई पे रख सकते हैं ना? बिल्कुल भाई, सही। पैरोट बीक मेंढा माशाल्लाह, मज़ा आ गया देख के। तो दोस्तों एक और नायाब चीज़ देख रहे हैं निज़ाम भाई के यहाँ पर माशाल्लाह, कलर चेक करें आप। तो निज़ाम भाई ये रामपुरी है? जी भाई, ये रामपुरी में है, और बहुत अच्छी हाइट का और मतलब लंबाई का बहुत अच्छा बच्चा है, और ये भी माशाल्लाह भी बनेगा। और क्या सिंग है इसके? हाँ सिंग भी डबल कलर में है भाई इसकी, और चेहरा भी अच्छा है माशाल्लाह, चेहरा भी बहुत अच्छा है। कितने दांत पे बोले आपने? ये अभी ये 3 दांत कर लिया। ओके, तो ये कुर्बानी के लायक भी, कुर्बानी के लायक भी हो गया है, जिसको जैसा शौक रहे भाई अपने हिसाब से यूज़। तो ये लेके पलाई पे भी रख सकते हैं आपके पास, बकरीद तक रखें आप, फिर कुर्बानी करें माशाल्लाह, ये देना है। और कलर चेक करें, थोड़ा आगे लीजिए निज़ाम भाई, तो दोस्तों कलर चेक कर लें आप माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कलर में। फुल गर्म मिल रहा है, दोस्तों एक और मेंढा देख रहे हैं माशाल्लाह, इसकी क्या डिटेल्स है निज़ाम भाई? भाई ये अभी 2 दांत पे है, और ये भी रामपुरी में ही है, ये भी रामपुरी में है, और वाइट में बहुत कम रामपुरी आती है, बहुत रेयर क्वालिटी है कि वाइट है, फुल वाइट है, सिंग भी देखें, पूरा गुलाबी बच्चा है भाई। और कितने दांत पे है? ये भी 2 दांत किया है, 2 दांत किया है, पूरा किया, एक आधा किया, और ये भी देना है, ये फुल सेट है मुंबई के क्लाइमेट में। ठीक है, तो लोग लेके भी जा सकते हैं अगेन निज़ाम भाई के पास में, पलाई का काम स्टार्ट हो गया है, अगर आप यहाँ भी रखेंगे तो आप रख सकते हैं बकरीद तक, या किसी को तैयारी पे देना है तो भी निज़ाम भाई को दे सकते हैं। सो निज़ाम भाई सारे मेंढे तो देख लिए, ट्रांसपोर्टेशन तो आप खुद ही करते हो माशाल्लाह,
पूरे भिवंडी के लिए, तो ये आप ये भी हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट भाई? सिर्फ भिवंडी का नहीं, बॉम्बे हो गया, कहीं का भी हो गया। जैसे कुछ लोग अपना कलकत्ता के लोग हैं, मेरे कस्टमर हैं, तो अगर उन्होंने राजस्थान से बकरा ख़रीदा है तो मैं बॉम्बे में उतार लेता हूँ, अपने यहाँ रखता हूँ बकरे को, एक दिन दो दिन जो भी रखना हो, लगे कि बकरा आप ठीक है, उसके लिए कलकत्ता के लिए चढ़ा देता हूँ। मतलब कस्टमर का, तो आपका लोडिंग का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है? लोडिंग का काम भी जो भी रहेगा, जैसे किसी बॉम्बे वाले ने किसी फार्म से बकरा लिया या भिवंडी से बकरा लिया है, तो मैं उसके घर तक मतलब उसको पहुंच के मिल जाएगा। तो ट्रेन का हो गया, फार्म्स का हो गया, हर काम सारे, करते हैं सारे काम हो गए माशाल्लाह। तो ये दोस्तों आपने सुना, और निज़ाम भाई बहुत ही मतलब ईमानदारी से काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और आपको हर मेंढा दिखा दिया हमने। निज़ाम भाई एक बार आपका नंबर बता दीजिए। 9764264257। ठीक है, सो ये था निज़ाम भाई का नंबर। और भिवंडी एसटी स्टैंड आना पड़ेगा जी भाई, है ना? एसटी स्टैंड पे आके 5 मिनट का रास्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम, अल्लाह हाफ़िज़।